तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरी एक और नई वीडियो के साथ फार्मिंग सिम्युलेटर 18 में स्वागत है। तो गाइस यहाँ पर पिछली बार आपने देखा ही होगा गाइस, ये जो ग्रास फील्ड वाले फार्म इनको भी इसमें खरीद लिया था। बाकी गाइस यहाँ पे अपने पास शुरुआत में एक ग्रास फील्ड वाला फार्म था, फिर भी अपनों ने खरीद लिया है, लेकिन अभी तक एक भी बार अपनों ने यानी कि जो ग्रास फील्ड वाले जो फार्म है उस पर काम नहीं किया, यानी एक भी बार अपने पास एक था फिर भी नहीं किया है। तो गाइस आज अपनों ने सोचा है यहाँ पे अपने जो ग्रास फील्ड वाला फार्म है उस पर ही काम यानी कि करने वाले हैं। लेकिन अभी गाइस यहाँ पे अपने जितने फार्म है यानी कि जो नॉर्मल वाले फार्म है, जितने भी कैनोला की हार्वेस्टिंग का काम है और जो ज़मीन को प्रिपेयर करने का काम है उसको अपने निपटा देंगे, क्योंकि अगर हार्वेस्टिंग नहीं की तो अपनी ये फसल ख़राब हो सकती है। इसीलिए गाइस पहले इसको निपटाने का है, तो एक राउंड में पूरा निपट जाने वाला है। तो पहले गाइस तीनों सेक्शन के फार्म को क्लियर करते हैं, बाद में गाइस ग्रास फील्ड वाले फार्म के लिए अपने को जो काम करेंगे उस पर तो अपने को मशीनरी भी खरीदने की है। तो गाइस उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अच्छी डील आएगी तो ही अपनी स्टोरेज अपना खाली करेंगे। बाकी फटाफट पहले जो फार्म है उन सबको क्लियर करते हैं। और यहाँ पे गाइस अपने जितने भी फार्म है देख ही सकते हो भाई, सब क्लियर कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी फसल थी वो काट डाली है, और जितने भी फसल निकली है गाइस उसको भी अपने यहाँ पे अपनी स्टोरेज में स्टोर करा दिया। बाकी मैंने इंतज़ार किया है यानी कि कोई जॉब आ जाए, यानी कि कोई डील अच्छी मिल जाए तो अपने यानी कि उसको ले कर फटाफट डिलीवरी कर दे, लेकिन अभी तक नहीं आई है और अपने ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। बाकी देख ही लेता हूँ अपनी स्टोरेज में कितना कैनोला है। 358,000 किलोग्राम जितना कैनोला अभी अपनी स्टोरेज में हैगा गाइस। भाई इसको फटाफट यहाँ पे अपने को जो भी अच्छी प्राइस जहाँ पे मिलेगी वहीं पे बेच देंगे, अगर बीच में डील मिल गई अपने को कोई अच्छी तो उसको भी ले लेंगे। बाकी फटाफट देख लो गाइस यहाँ पे स्टेशन पे अच्छी प्राइस मिलती तो मैं फटाफट यहाँ पे बंदे को हायर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो अपने ट्रैक्टर्स खड़े थे उनको अपने शॉप की पार्किंग में भेज दिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पे अपने जो मशीनरी खरीदी देंगे तो वहीं पर आएगी, तो वहीं से यानी कि वो ट्रैक्टर अपने पिकअप करके अपने लेके आ जाएंगे। और बाकी गाइस यहाँ पे अभी अपने दो ट्रेलर भर के गाइस जो कैनोला है उसको बेच के आ गए। वैसे अपने तो नहीं, यानी कि अपने जिस बंदे को हायर किया था वो बेच के आ गया है। बाकी गाइस यहाँ पे अपने पास अभी देख लो $230,000 जितने बैलेंस है, और इतने में आराम से अपने ग्रीन फील्ड के यानी कि काम करने वाली जो मशीन है उसको खरीद सकते। तो गाइस फटाफट चलते, ये रही अपनी शॉप, तो और जो मशीनरी खरीदने के उसके लिए यानी कि ले जाने के लिए भी अपने ये जो ट्रैक्टर्स हैं उसको ला के रख दिया। बाकी चलते हैं शॉप में और खरीदते जो जो मशीनरी अपने को चाहिए उसको। और यहाँ पे गाइस जो ग्रास फील्ड वाले फार्म है उसके ऊपर काम करने के लिए अपने को गाइस जो मोवर्स होता है वो चाहिए होगा, और ये इसका सिंपल सा काम है, जो ग्रास होती है उगी हुई उसको काटने का इसका सिंपल सा काम है। वैसे इससे बड़ा वाला भी है, लेकिन शुरुआत में अपने गाइस छोटे वाला ही लेते हैं जिसकी कीमत है गाइस $15,000, और ये 4 फुट जितना एरिया कवर कर सकता है। तो मैं फटाफट इसको एक खरीद लेता हूँ। और यहाँ पे गई जब अपने खरीदने वाले ट्रेडर, और इसका सिंपल सा काम है गई जो मोवर्स ने ग्रास काटी है उसको सुखाने का, यानी कि जो कटी हुई ग्रास है उसको सुखाने का काम है। बाकी ये 6 फुट जितना एरिया कवर करती है, प्राइस है $17,000, और इसमें भी गाइज यहाँ पे यानी कि बड़ी मशीन हैगी, लेकिन गाइज अभी अपने शुरुआत कर रहे हैं तो गाइज इसको ही खरीद लेते हैं। बाकी गाइज ये है विंड्रोवर्स, और इसका काम क्या है गाइज, यहाँ पे जो ट्रेडर है जिसने यानी कि ग्रास को जो सुखाया है, तो गाइज यहाँ पे जो सूखी हुई ग्रास है उसको एक ही रो में यानी कि इकट्ठा करके रखने का इसका काम है। बाकी गाइज यहाँ पे 9 फुट जितना कुछ एरिया एक बार में कवर कर रहा है। बाकी इसमें भी बड़ी साइज़ वाला है, लेकिन गाइज शुरुआती काम है अपना, इसीलिए गाइज अपने इसी को खरीदते जिसकी कीमत है गाइज $28,000। तो मैं फटाफट इसको खरीद लेता हूँ। और यहाँ पे गाइज अब आ गया है लोडिंग वेगन, इसका काम क्या है गाइज, यहाँ पे जो ग्रास यानी कि जो है उसको उठाने का सिंपल सा काम है का गाइज। और ये गाइज इसकी स्टोरेज देख ही सकते हो गाइज, 21,000 किलोग्राम जितनी इसकी स्टोरेज है, और गाइज यहाँ पे एक बार में 3 फुट जितना एरिया कवर करता है, और $65,000 इसकी कीमत है। तो मैं इसको खरीद लेता हूँ। कि गाइज यहाँ पे देख लो, अभी जो अपने मशीन खरीदे वो तो आ गई है कि चारों के चारों मशीन, तो फटाफट गाइज इसको ट्रैक्टर्स के साथ अटैच करते हैं, और अपना जो पहले वाला जो फार्म था ग्रीन फील्ड वाला वहाँ पे लेके चलते। पहले मैं फटाफट अटैच कर देता हूँ ट्रैक्टर्स को।
गाइस यहाँ पे देख लो अपने जो चारों के चारों मशीन है उसको तो अपने यहाँ पे लेके आ गए हैं। बाकी गाइस यहाँ पे सबसे पहला काम है गाइस यहाँ पे जो मोवर है उसका, बाकी मैं इसको ऑन करता हूँ। और भाई यहाँ पे ये तो साइड में चला गया, बाकी फटाफट अपने बंदे को हायर करके निपटाने वाले हैं। और इसका सिंपल सा काम है गाइस ये जो ग्रास जो उगी हुई है ऊपर उसको काटने का सिंपल सा काम है। बाकी फटाफट इसको पहले काम निपटाने देते हैं, फिर दूसरी मशीन पे आते हैं अपने। यहाँ पे वो जो मशीन है गाइस उसका तो अभी काम चल ही रहा है, साथ में गाइस ये जो मशीन है टेडर इसको भी अपने शुरू कर दिया। और इसका काम क्या है, ये जो कटिंग की हुई ग्रास है उसको सुखाने का, बस सिंपल सा काम है। यानी कि जो कटिंग हुई जो ग्रास है उसको सुखाने का काम है। ये जो इसके फैन लगे हुए उससे काम कर देगी, बाकी फटाफट इसको भी काम अपने निपटाने देता है। और बाकी कहीं यहाँ पे जो ट्रैक्टर है उसको भी मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि कहीं जो जेसीबी वाला ट्रैक्टर है उसमें ज़्यादा स्पीड थी और जो ब्लू ट्रैक्टर है अपना उसमें इतनी स्पीड नहीं थी। इसीलिए तो क्या अपने को ये आगे काम चलेगा तो इसको स्पीड में करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ट्रैक्टर को भी चेंज कर दिया है। बाकी गाइस यहाँ पे ये वाला जो ट्रैक्टर है गाइस इसको भी अपने लेके आ गए ये जो फार्म है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे भी अपने को यानी कि अभी अपने जितने भी ग्रास फील्ड वाले फार्म है वहाँ पे अपने को काम निपटाने का, यानी कि एक बार तो काम करने का ही है। इसीलिए फटाफट एक राउंड यानी कि पूरा ऐसा चक्कर लगाने वाले अपने। बाकी गाइस यहाँ पे अब बारी है ये वाली मशीन की, और ये जो मशीन है विंड्रोवर इसका काम क्या है गाइस यहाँ पे जो ग्रास है उसको इकट्ठा करके एक रो में गाइस नाखने का। देख लो गाइस यहाँ पे एक रो इकट्ठा करेगी जिससे अपना ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा, यानी कि काम ईजी हो जाएगा अपना। बाकी क्या ही ज़बरदस्त काम कर रही है, फटाफट इसको काम निपटाने देते अपने। बाकी गाइस देख लो वो वाली जो अपनी मशीन है उसने तो अपना काम यहाँ पे निपटा दिया हैगा। बाकी अब ये वाली जो मशीन है लोडिंग वेगन इसका काम है यानी कि जो ग्रास है इसको उठाने का, फटाफट इसको भी काम निपटाने देते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे देख लो गाइस जो अपना पहले वाला फार्म था वहाँ पे से ग्रास उठाने का काम भी गाइस यहाँ पे हो चुका है, और अपने को उस फार्म से 58% जितनी जो ग्रास है वो मिली थी। बाकी फटाफट यहाँ पे काम चालू है, और दो मशीन को तो अभी उन्होंने जो तीसरा फार्म है वहाँ पे काम करने के लिए भेज दिया है, और फटाफट ये जो काम है इसको निपटाते हैं। और बाकी गाइस यहाँ पे जो अपनी मशीन है वो पूरी की पूरी गाइस यहाँ पे भी फुल हो गई है कि बाकी गाइस ये जो हैगी यानी कि जो ग्रास है इसको अपने गाइस यहाँ पे जो है बायोगैस प्लांट पे बेच सकते हैं, या अपनी जो काव या शीप हैगी उसको खिलाने के तौर पे यानी कि दे सकते हैं क्या। वैसे गाइस अभी बायोगैस प्लांट अपने नज़दीक है तो अपने यहीं पर चलते और बायोगैस प्लांट पर ही बेच देते, और देखते गाइस इसकी कितनी प्राइस अपने को मिलती है। कि बाकी गाइस ये जो मशीन है गाइस यहाँ पे कम फूड एरिया कवर करती है और स्टोरेज भी जल्दी भर जाती है, तो अपने इसको भी अपग्रेड करेंगे यानी कि न्यू मशीन अपने खरीदेंगे। बाकी गाइस ये अपने पहुँच गए जो बायोगैस प्लांट है वहाँ पे। बाकी गाइस यहाँ पे सिलो नंबर वन ये रही, यानी कि फटाफट यहाँ पे अपने अनलोड कर दे रहे हैं। और देख लो गाइस पूरा का गाइस यहाँ पे जो अपनी थी यानी कि है उसको यहाँ पे नाक दिया, और इससे अपने को यानी कि स्लरी भी मिलेगी, वो भी एक तरह से गाइस अपने जो बोल रहे फर्टिलाइज़र के तौर पे अपने यूज़ कर सकते हैं क्या। बाकी पहले फटाफट लेके चलते हैं अपने फार्म पे और उस काम को निपटाते हैं। और जो विंडो था उसको भी गाइस जो अपना तीसरा वाला ग्लास फिल वाला फार्म है वहाँ पर भेज दिया है। कि गाइज यहाँ पे जो अपना दूसरा वाला फार्म था वहाँ पे भी गाइज उसका जितने भी ग्रास उठाने की थी उसको भी उन्होंने उठा लिया। बाकी फटाफट इसको यहाँ पे जो बायोगैस प्लांट है यहीं पे खाली कर देते हैं, और देख लेते हैं स्लरी भी अपने कितनी बनी है इतने की। और देख लो गाइज यहाँ पे इतनी स्लरी अभी अपनी बन गई कि बाकी फटाफट गाइज यहाँ पे अपने इसको ले जाते जो अपना थर्ड वाला फार्म है वहाँ पे। अब Yeah.
और बाकी गाइज देख लो अपनी जो फर्स्ट सिलो है गाइज वो भी फुल हो गई। और देख लेते गाइज यहाँ पे अपने जाके गाइज यहाँ पे देख लो भी अपनी जो फर्स्ट सिलो है उसको खाली होने में इतना टाइम लगने वाला है। लेकिन गाइज कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि गाइज अपने पास अभी 3 सिलो है और उसमें आराम से यानी कि काम अपना हो जाने वाला है। और बाकी गाइज यहाँ पे अपनी जो ग्रास थी यानी कि जो है थी उसको भी अपने सिलो में नाक दिया है। और चारों फार्म में से अपनी यानी कि कितनी निकली है जो है वो देख लेते हैं। तो गाइज देख लो यहाँ पे 74,000 किलोग्राम जितनी यानी कि जो है अपनी निकली। और अपने जो स्लरी बनी है गाइज यहाँ पे 14,000 लीटर जितनी गाइज यहाँ पे स्लरी बनी है चारों फार्म में काम करने से। बाकी गाइज यहाँ पे स्लरी यानी कि एक फर्टिलाइजर टाइप की चीज़ होती है जिसको यानी कि अपने फार्म में छिड़केंगे तो गाइज जो अपनी जो फसल है उसको बूस्ट मिलेगा, उसको जो फसल है उसको ग्रोथ मिलेगी। बाकी यहाँ से इकट्ठा होगी वो स्लरी और अपने यहाँ से ले जा सकते हैं। लेकिन स्लरी को ले जाने के लिए भी अपने को यानी कि टैंक्स आते हैं उसको खरीदना पड़ेगा, उसको भी अपने नहीं खरीदने वाले हैं क्योंकि एक बार फुल हो जाना है तो बाकी अपने एक साथ में ही ले जाएंगे। बाकी फटाफट इसको लेके चलते अपने फार्म के ऊपर। बाकी गई ये जो अपनी मशीन है उसको तो अपना जो फार्म है वहाँ पर लेके पहुँच गए। बाकी गई सीडिंग के लिए भी तीनों के तीनों सेक्शन में बंदों को हायर कर दिया क्योंकि गई वो काम अपने ज़्यादा देर तक नहीं रुका सकते। बाकी यहाँ पे भी अपने जो बोला था यानी कि चारों के चारों फार्म जो है ग्रास फील्ड वाले उसके ऊपर अभी अपने काम कर लिया है। और जो बोला था कि अपने न्यू मशीनरी खरीदेंगे ग्रास फील्ड वाले फार्म के लिए वो भी खरीद लिया। बाकी ये जो फार्म है अभी इस पर और ग्रास उगना बाकी है तो उसको भी अपने अगली बार ही निपटाएंगे। बाकी जो अपना मेन काम था वो हो चुका है। तो हम आपसे मिलते अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को गाइस यहीं पर समाप्त करते हैं।